स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का सेशन है, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टीएस अग्रवाल का। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक करवाया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर देखेंगे, आपको 1 से 8 तक का सोल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पर देखिए क्लास 12 का है ना, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपका बुक से, टीएस अग्रवाल बुक। देखिए यहाँ पर दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्किल्स इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 एंड 2022 प्रिपेयर अ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे क्या निकालना है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले मैंने बताया आपको कॉम्परेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 31 मार्च 2022 का और 2021 का। देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज और टैक्स रेट 30%। इससे आपको क्या निकालना है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, ये देखिए फॉर्मेट और इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट 31 मार्च 2022। देखिए ये पर यहाँ पर्टिकुलर्स लिखना है, नोट नंबर 31 मार्च 2021 और ये 22, ओके। और यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज या तो डिक्रीज, चेंजिंग में क्या आएगा, इंक्रीज या तो डिक्रीज। नेक्स्ट परसेंटेज चेंज, चेंजिंग परसेंटेज या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको निकालना क्या है, तो हम लोग बना क्या रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। तो ये इसमें कॉम्परेजन करना है एक साल का दूसरा साल से। तो यहाँ देखिए सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, वो आपको दोनों साल का लिखना है। तो 20 लाख है 21 में और 22 में है 45 लाख, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब 45 लाख में 20 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, 25 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि 2021 में था वो 20 लाख और 22 में हो गया 45 लाख, कितना का इंक्रीजमेंट हुआ, तो 25 लाख का हुआ, 25 लाख आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, चेंजिंग में ये आया किस में, इंक्रीज में। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, है ना, 25 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये देखिए सारे जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 25 बाय 20 इंटू 100, ओके। ये 5 है और 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, तो यहाँ का परसेंटेज निकल गया 125, क्लियर है। तो फर्स्ट का जो परसेंटेज 125, यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो इसका बेस यानी कि 2021 वाला को बेस लेना है। ठीक है, क्योंकि कंपेरिजन यहीं से हो रहा है, तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 यानी कि 125 आएगा, हो गया। तो इसमें से ये सेल्स था, इसमें से आपको एक्सपेंसेस को घटा देना है, ओके, तब निकल जाएगा आपका प्रॉफिट, है ना। सेल्स में से एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो आएगा प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस में क्या क्या है, तो एक्सपेंसेस में आपको दे रखा है एम्प्लॉई बेनिफिट्स, कितना एक्सपेंसेज, 8 लाख 10 लाख, है ना, 21 में 8 लाख है और 22 में 10 लाख है, तो कितना का डिफरेंस है यहाँ पे, तो 2 लाख का, इसका मतलब 2 लाख का इंक्रीजमेंट हुआ है। अब यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे तो 2 लाख बाय 8 लाख, है ना, ये 0 0 सारे कैंसिल हो जाएंगे, इंटू 100 करिए, ये 2 से 4 और 4 से कटेगा 25, यानी कि 25% आ गया, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपका एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेज और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ अदर एक्सपेंसेज, तो अदर एक्सपेंसेज ये भी एक्सपेंसेज है, ये दोनों एक्सपेंसेज को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 लाख दिया है 21 में और 22 में 5 लाख, तो कितना का डिफरेंस है, 3 लाख का, 5 लाख में 2 लाख जाएगा तो बचेगा 3 लाख, तो 3 लाख का डिफरेंस है। अब इसका परसेंटेज आपको निकालना है, तो देखिए 3/5 यानी 3 लाख बाय 5 लाख, तो 2 लाख, क्योंकि 2 लाख इसका बेस जो है आपको 21 को लेना है, तो 3/2 इंटू 100, ये कटेगा 50 से, है ना, अब 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, तो 150 आपका राइट आंसर है। यहाँ पे इसका ये इंक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या करेंगे, तो दोनों एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे, 8 लाख और 2 10 लाख होगा, 5 10 लाख और 5 लाख 15 लाख होगा। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना है, 10 लाख का 15 लाख से लेस करेंगे तो आएगा 5 लाख, यानी कि 5 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है,
अब 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो कितना 50% आएगा, ये 50% आ गया, है ना। अब क्या करना आपको, टोटल एक्सपेंसेस को लेस करेंगे किससे, सेलिंग से, है ना। मान लीजिए ये सेलिंग से जितना आप सेल किए हैं तो सेल कितना किए, तो यहाँ पर देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका नाम एक और नाम सेलिंग भी है ना, सेल्स, इसको सेल्स भी कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे 20 लाख रुपया से रिवेन्यू सेल्स है और इसका 45 लाख रुपया, ठीक है। उसमें से 10 लाख यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस है, तो 20 लाख में 10 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, 10 लाख, जो कि इससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहाँ पे देखिए 45 लाख है, इसमें टोटल एक्सपेंसेस कितना, 15 लाख, तो 45 लाख में 15 लाख माइनस होगा तो बचेगा 30 लाख, जो कि इसको बोलेंगे क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, किसका, 2022 का। अब डिफरेंसेस यहाँ पर देखिए 10 लाख और 30 लाख, तो कितना डिफरेंस हुआ, तो 20 लाख आपको यहाँ पे लिखना है एब्सोल्यूट चेंज में, है ना। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 यानी कि 200%, है ना, क्योंकि देखिए 20 बाय 10 इंटू 100 करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा आपका, समझ में आया। तो ये था आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपका टैक्स के बारे में भी दिया हुआ 30%, है ना, तो लिखेंगे लेस टैक्स 30%। अब यहाँ पर देखिए टैक्स 30%, 10 लाख का 30% आप निकालेंगे, देखिए 10 लाख है ना, इसका 10% निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 10 कैंसिल 1 लाख, तो 30% यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 3 लाख, है ना। और 30 लाख का 3% कितना होगा, तो 1% आ जाएगा आपका 1 लाख, तो सॉरी 3 लाख, तो 30% 3 × 3 = 9 लाख, है ना। अब 3 लाख में से 9 लाख को, 9 लाख में से 3 लाख को लेस करिए, आएगा 6 लाख, जो कि इंक्रीमेंट 6 लाख का हुआ है। परसेंटेज आपको निकालना, तो 6 लाख बाय 3 लाख इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 6/3, है ना, ये कटेगा 2, अब 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, जो कि आपका राइट, ये इंक्रीजमेंट परसेंटेज चेंज आया, ये क्लियर है। ये लेस करेंगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे देखिए 10 लाख में से 3 लाख जाएगा तो 7 लाख आएगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ, है ना। 30 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख कितना, 21 लाख। अब 7 लाख और 21 लाख कितना का डिफरेंस है, 14 लाख, है ना। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 14 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100, ये कटेगा 2 से, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, क्लियर है। आई होप समझ में आया, तो बस यही आपको करना है, समझ में आया होगा। तो चलिए सेशन को शेयर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, बस ये क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग खुद से प्रयास करेंगे इसको बनाने का, कि ये कैसे बनेगा, इसका पहले मैंने बताया फॉर्मेट, ठीक है। बस देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गोल्ड को कॉइन लिमिटेड फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2015, ठीक है। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर जो कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 31 मार्च 2015 और 2014 का दिया हुआ है डेटा यहाँ पे, जो कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 लाख, 45 लाख, बेनिफिट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 30 लाख, 22 लाख 50 हज़ार, और डेप्रिसिएशन 7 लाख 50 हज़ार, 6 लाख, अदर एक्सपेंसेस 15 लाख 50 हज़ार और 10 लाख, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। टैक्स का रेट 30% दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए आपको फॉर्मेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, कॉमर्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट बनाना आपको, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, है ना। यहाँ पे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, और या तो कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2014-15, क्लियर। यहाँ पे पर्टिकुलर आपको लिखना है ये 2014 या 2015, ये एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम है और ये परसेंटेज चेंज का कॉलम है। मतलब ये 3 कॉलम तो आपका दिया हुआ है, 2 कॉलम और बढ़ाना है आपको, है ना, बनाने के लिए 2 कॉलम और बढ़ाना है। तो ये देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स दे रखा है 45 लाख, 60 लाख, तो डिफरेंसेस कितना आएगा, तो 60 लाख में 45 लाख लेस करेंगे तो आएगा कितना, 15 लाख एब्सोल्यूट चेंज आया 15 लाख। अब इसका परसेंटेज निकालेगा तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख इंटू 100, है ना, तो यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 से काटिएगा तो 33.33 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 33.33 आपका राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज चेंज में, है ना। अब तो उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, तो एक्सपेंसेस में क्या क्या आपका, तो डेप्रिसिएशन है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज है और अदर एक्सपेंसेज, तीनों एक्सपेंसेज को।
तो यहाँ दे रखा है 6 लाख और यहाँ 7,50,000 2015 में, डिफरेंस कितना है 1,50,000 का। इसका परसेंटेज आपको निकालना है, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, ठीक है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 करेंगे तो कितना, 15 चौका 60, 4 से 25, तो ये 25% आया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट देखिए, तो डेप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट दे रखा है आपका यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 22,50,000 और 30 लाख, तो कितना होगा 7,50,000। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 7,50,000 डिवाइडेड बाई 22,50,000 इंटू 100 करेंगे तो 33.33 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अदर एक्सपेंसेस भी दे रखा है 10 लाख और यहाँ 15,50,000, तो इसका डिफरेंस कितना होगा 5,50,000। इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 5,50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 तो आएगा 55%, ठीक है, ये क्लियर है। अब टोटल एक्सपेंसेस को जोड़ना है आपको ये तीनों को, तो ये आएगा 38,50,000 और ये आएगा 53 लाख और ये आएगा 14,50,000। अब इसका डिफरेंसेस देखिए यहाँ पे, क्योंकि इसको 38,50,000 को घटाना है आपको 53 लाख से, तो कितना आएगा 14,50,000। अब परसेंटेज निकालना है तो 14,50,000 डिवाइडेड बाय 38,50,000 इंटू 100 करेंगे तो 37.66 आएगा, ठीक है, 37.66। अब ये रहा आपका, आगे देखिए टोटल एक्सपेंसेस है ना, टोटल एक्सपेंसेस किससे, रेवेन्यू से लेस होगा, 45 लाख में से आपका 38,50,000 लेस होगा और 60 लाख में से 53 लाख लेस होगा, है ना। तो यहाँ पर 45 में से 38,50,000 जाएगा तो 6,50,000 ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहाँ 60 लाख में से 53 लाख जाएगा तो 7 लाख जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। डिफरेंसेस कितना, 6,50,000 और 7 लाख, यानी कि 50,000 का, तो 50,000 यहाँ पे होगा। अब इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 50,000 डिवाइडेड बाई 65, है ना, कितना है 6,50,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 7.69, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है लेस इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है, उस रेट से आपको लेस करना है। तो देखिए इसमें आपको रेट देखिए कहाँ कितना दिया हुआ है, 30%, है ना, तो 30% यहाँ पर लेस करेंगे 6,50,000 का तो कितना 1,95,000 आएगा, और 7,35% 2,10,000 आएगा। ओके, अब यहाँ 1,95,000 और 2,10,000 का डिफरेंसेस कितना आएगा, तो 15,000। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 15/1,95,000 इंटू 100 तो आएगा 7.69, क्लियर है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि इसमें से आपको इतना लेस करना है तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे तो 4,50,000, 55,000, 4,90,000 डिफरेंसेस कितना 35,000। इसका परसेंटेज निकालिएगा 35/4,55 इंटू 100 यानी कि 7.69, ठीक है, 7.69% आ गया। तो आई होप ये समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्परेटिव प्रिपेयर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, बस उसी तरह से आपको बनाना है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए, है ना, फॉर्मेट बनाइए कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 31 मार्च 2020 का, है ना, 2020 का। अब यहाँ पर जो दे रखा है पर्टिकुलर आपको लिखना है फॉर्मेट में, नोट नंबर 31 मार्च 2019 और 2020, एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज चेंज, इंक्रीज डिक्रीज, ओके। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 20 लाख और 25 लाख, इसका डिफरेंसेस कितना आएगा 5 लाख। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 5 लाख इंटू 20 डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100 तो आएगा कितना 25%, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, जितना भी एक्सपेंसेज है उसमें आपको इसमें सेल्स में घटा देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू ये कितना 10 लाख है और 13 लाख, तो डिफरेंसेस कितना है 3 लाख का। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 तो 30% आएगा, क्लियर। अब देखिए अदर एक्सपेंसेज जो कि इसका नहीं है, यहाँ पर इसका दिया हुआ 1,20,000, तो कितना का चेंजिंग हुआ 1,20,000 पूरा बढ़ गया, है ना, तो इसका परसेंटेज निकालिएगा तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो दिया ही नहीं है, इसका परसेंटेज भी नहीं निकलेगा। इसका टोटल देखिए 10 लाख आपका टोटल एक्सपेंसेज आ गया, इसका 14,20,000, यहाँ पर 4,20,000 इसका डिफरेंसेस। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 4,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख तो आएगा आपका 42%, क्लियर है। अब आगे देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना, तो सेल्स ऑपरेशन यहाँ पे जो दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख में से आपको लेस करना है 10 लाख, तो कितना आएगा, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख और 10,80,000, है ना। अब इसका डिफरेंसेस 80,000,
अब इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 80/10 × 100 तो 8 आएगा। अब लेस 50% यानी कि 10 लाख का 50% कितना होता है 5 लाख, लेस कर देंगे टैक्स तो आएगा 5 लाख, और 10 लाख 80 हज़ार का 50% 5 लाख 40 हज़ार लेस कर देंगे तो आएगा 5 लाख 40 हज़ार, और 80 का 50% 40, 40 को लेस करेंगे 40। अब यहाँ पर परसेंटेज भी देखिए 40/5 लाख × 100 तो 8% आएगा। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया है, तो बस सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि सेम क्वेश्चन है ना, ये आपका TS ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो प्रिपेयर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ बिकुल लिमिटेड विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन दे रखा है ऑपरेशन, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स दिया हुआ है, उसमें आपको क्या करना है मटेरियल कंज्यूम और एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये सारे एक्सपेंसेज को जोड़ने के बाद है ना आप इससे लेस कर देंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। अब प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करेंगे 40% निकालेंगे उसका, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा तो ये 40% इसका डिडक्ट होगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मेट है जो फॉर्मेट मैंने अभी बनाया है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट सबसे पहले कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2018 ये आपको लिखना है, और पर्टिकुलर नोट नंबर 31 मार्च 2017 18, एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज यही होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट लिख लीजिए आप, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जैसे आप लिखेंगे ये वाला फॉर्मेट सबसे पहला चीज़ होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना, ठीक है, यानी सेलिंग को लिखना। तो 10 लाख 16 लाख डिफरेंसेस कितना 6 लाख, इसका परसेंटेज यदि निकालेंगे तो 6 लाख / 10 लाख × 100 तो यानी कि 60% आएगा, क्लियर है। अब देखिए ये हो गया आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब ऑल एक्सपेंसेज को एड करने के बाद इससे लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस में क्या था, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 5 लाख 10 लाख है ना, 5 लाख 10 लाख डिफरेंसेस कितना है 5 लाख का, परसेंटेज कितना होगा 5 लाख / 5 लाख × 100 तो 100 आएगा है ना। उसके बाद क्या है एम्प्लॉय बेनिफिट्स कितना दिया हुआ है, तो 80,000 और 40,000 डिफरेंसेस कितना 40,000 का है, क्योंकि 80,000 पहले था अब हो गया 40,000 तो माइनस में आएगा 40,000। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे 40,000/80,000 × 100 तो 50% आएगा जो कि माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंसेस अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, तो यहाँ पर 60 है इसका 80 दिया हुआ तो कितना डिफरेंस हुआ 20 का 20 यहाँ पर यहाँ लिखेंगे, और इसका परसेंटेज निकालेंगे 20/60 × 100 तो 33.33 आएगा। आई होप ये क्लियर है। अब देखिए टोटल एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे टोटल को और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से लेस कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा 6,40,000/11,20,000, यहाँ पर देखिए डिफरेंसेस 4,80,000, अब 4,80,000/6,40,000 × 100 तो 75% आएगा, ये राइट आंसर है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से लेस करना है आपको टोटल एक्सपेंसेज को, तो टोटल एक्सपेंसेज कितना 3,60,000/4,80,000/1,20,000, क्योंकि 3,60,000 और 4,80,000 का डिफरेंसेज 1,20,000 आएगा, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 120/36 है ना, यानी कि 3,60,000 × 100 करेंगे तो 33.33 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है लेस टैक्स 40% दोनों को, तो यहाँ 3,60,000 का 40% निकालिए तो आएगा 1,44,000, और इसका यहाँ पर जो दिया हुआ है 4,80,000 उसका यदि निकालिएगा आप 40% तो आएगा 1,92,000, ठीक है। अब यहाँ पे इसका और इसका माइनस मतलब कि 2021 है ना, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो होगा एक मिनट 2017-18 है, तो यहाँ पे देखिए ये जो परसेंटेज निकालना है आपको ये बोला ना, तो इसका डिफरेंस 48,000 है, 48/144 × 100 तो 33.33 आएगा। अब नेक्स्ट सब इसको इससे लेस करना है यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस लेस टैक्स है ना, तो 1,44,000 में जाएगा कितना था 2,16,000, और 4,80,000 में 1,92,000 जाएगा 2,88,000, अब डिफरेंसेस कितना 72,000, ठीक है, ये डिफरेंसेस कितना है 72,000 निकला, तो यहाँ पर लिखेंगे 72,000/2,16,000 × 100 तो 33.33 आएगा आपका राइट आंसर। आई होप समझ में आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13 है आपके स्क्रीन के सामने। देखिए ये 13 उसी तरह से है, बस आपको क्या करना है सेलिंग में से मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जितना भी एक्सपेंसेज है सभी को माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ये आपका कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम फॉर्मूला रटा रहे हैं आपको, बस आप ही सोचिए कि आप सेलिंग जितना किए हैं उसमें से एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा या तो लॉस, दो ही चीज़ निकल सकता है ना। तो ये आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है कि क्या क्या लेस करना है, बस जितना एक्सपेंसेज है उसी को लेस करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रिपेयर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन से आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो ये दे रखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि 2022 का और 2021 का, ठीक है। अब अदर इनकम भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो इनकम को भी क्या करेंगे ऐड करेंगे ना, और यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेज को लेस करेंगे और एक्सपेंसेज में कितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और अदर एक्सपेंसेज दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे टोटल इनकम में, है ना। उसके बाद रेट टैक्स का भी दे रखा है, तो बस उस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर चेंजिंग है अदर इनकम का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ और आपका बुक TS ग्रेवाल का फुल सॉल्यूशन आपके स्क्रीन के सामने, आप अपना प्लेलिस्ट में देखेंगे कॉमर्स गुरुजी का, गुरुजी कॉमर्स का आपको प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। DK गोयल का ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है और इस बार जो है आपको TS ग्रेवाल का पूरा फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट या तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 2022, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर ये मार्च 2021 और मार्च 2022 एब्सोल्यूट चेंज और ये चेंज परसेंटेज चेंज, बस यही चार कॉलम। ये तीन तो आपका क्वेश्चन में रहता है, ये दो आपको एक्स्ट्रा बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लिखना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 25 लाख दिया है 21 में और 22 में दिया है 37,50,000, और डिफरेंसेस आपका 12,50,000 ये आएगा। अब इसका जल्दी परसेंटेज आपको निकालना, आई होप ये समझ में आपको आया होगा, इसके पहले वाले मैंने क्वेश्चन करवाया। तो देखिए 12,50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100 करेंगे, ठीक है, तो 50% आएगा आपका। अब यहाँ पर अदर इनकम को भी जोड़ देंगे, ठीक है, तो 5 लाख और 4,50,000 देखिए माइनस हो गया 50,000, यहाँ पर माइनस में लिखे हैं ब्रैकेट में, ठीक है। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो -10% आएगा, कैसे 50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, या तो 5 लाख का 50,000 कितना परसेंट है 10% है, तो ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू 1+2 दोनों को जोड़ेंगे। अब एक्सपेंसेज में देखिए सारे एक्सपेंसेज को ऐड करके और टोटल रिवेन्यू से लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेज में दे रखा है क्या क्या, तो एक्सपेंसेज के अंदर यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग एक्सपेंसेज और उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और अदर एक्सपेंसेस दो ही है, तो 12,50,000 2021 में 22 में 22,50,000 डिफरेंसेस कितना 10 लाख का, इसका परसेंटेज निकालेंगे 10/12,50,000 इंटू 100 यानी कि 80%। नेक्स्ट देखिए अदर एक्सपेंसेस का तो कितना होगा, तो 2,50,000 और 2021 में 22 में 3,75,000 डिफरेंसेस कितना आएगा 1,25,000। अब 1,25,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 इंटू 100 करेंगे तो 50% आएगा, क्लियर है, क्योंकि 2,50,000 का आधा कितना होता है 1,25,000 होता है, तो 50% हुआ ना, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब टोटल एक्सपेंसेस को आप ऐड करेंगे तो यहाँ 15,26,25,000, अब डिफरेंसेस कितना 11,25,000, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 11,25,000 डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100 यानी 75% राइट आंसर, क्लियर है। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि ये टोटल रिवेन्यू में से यहाँ पे ये टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, तो 30 लाख में से 15 लाख जाएगा तो कितना बचेगा 15 लाख, और यहाँ 42 लाख में से 26,25,000 जाएगा तो कितना बचेगा 15,75,000। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना है 15 लाख और 15,75,000, तो 75,000 का, इसका परसेंटेज निकालेंगे कैसे आप, तो 75,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100 यानी कि 5% आएगा, ठीक है, तो ये 5% आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, लेस इनकम टैक्स जो कि इनकम टैक्स कितना है 50%, ओके, तो 50% यहाँ पर लेस करेंगे, 15 लाख का आधा कितना होता है 7,50,000 और 15 लाख 75,000 का डिवाइडेड करेंगे आधा से दो से तो आएगा 7,87,000, ठीक है, और 75 का आधा 37,500, ओके, यानी कि ये दोनों का डिफरेंसेस करिएगा तो आपका 37,500 ही आएगा। इसका परसेंटेज निकालें तो 37,500 डिवाइडेड बाई 7,50,000 इंटू 100 तो 5% आएगा, क्लियर है। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स लेस करेंगे तो आएगा 7,50,000 जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और 15,75,000 में से 7,87,500 लेस करेंगे तो आएगा 7,87,500 जो कि प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स, ठीक है, और 75,000 में से आप इसका डिफरेंस निकालेंगे 37,500 लेस करेंगे 37,500 आएगा, परसेंटेज वही 37,500 डिवाइडेड बाई 7,50,000 इंटू 100 5% आया आपका राइट आंसर, आई होप ये क्लियर है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन क्या है सिमिलर टाइप का है, बस यहाँ पर अदर इनकम जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60% दे रखा है और 50% दे रखा है, इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज ऑफ टोटल रेवेन्यू का 40% और 30%, टैक्स रेट दे रखा है 40% और 40%। ओके ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट अदर इनकम जो है डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, परसेंटेज दे रखा है किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, एम्प्लॉय बेनिफिट का, एक्सपेंसेस भी दे रखा है टोटल रेवेन्यू का, ठीक है, टैक्स का भी परसेंटेज दे रखा है 40% और 40%। तो देखिए कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सबसे पहला काम है आपका क्या, फॉर्मेट बनाना, ठीक है, फॉर्मेट सही तरीके से बनाएंगे उसके लिए आप पर्टिकुलर फर्स्ट फॉर्म कॉलम, सेकेंड नोट नंबर, थर्ड कॉलम 2017 और 2018, फोर्थ कॉलम फाइव एब्सोल्यूट चेंज और सिक्स है आपका परसेंटेज चेंज, ठीक है। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 10 लाख और 15 लाख, पर यहाँ पर दिया हुआ 10 लाख और 15 लाख, तो 10 और 15 इसका चेंजिंग क्या आएगा, तो इंक्रीज हुआ है आपका 5 लाख का, इंक्रीज हुआ 5 लाख का, 5 लाख आप यहाँ पर लिखेंगे, इसका परसेंटेज लिख बनाएंगे कैसे बनेगा, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 यानी कि 50%, है ना, आप ऐसे देखिए 10 लाख का 50% कितना होगा, 5 लाख होगा, तो ये 50% ही है, तो यहाँ पर 50% ऐसे निकालना आपको, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, देखिए लाख और लाख मैंने सबको काट दिया तो 5 और 10 बचेगा ना, इंटू 100, ठीक है, ये जीरो ये जीरो, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% आ गया, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए अब अदर इनकम को भी ऐड करेंगे, तो अदर इनकम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना दिया 50%, है ना, तो 10 लाख का 50% कितना आएगा 5 लाख, और इसका दिया है 60%, तो 60% कितना आएगा 15 लाख का, तो 15 लाख का 60% निकालेंगे, 15 लाख देखिए यहाँ पे इंटू 60%, 60 बाय 100, 10010010, है ना, 15 × 90 यानी कि 9 लाख रुपया, तो 9 लाख यहाँ पर आएगा। अब 5 लाख में से 9 लाख बढ़ गया ना, 5 लाख पहले था अब 9 लाख हो गया, यानी कि 4 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज किया है। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 4 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, सारे जीरो कैंसिल, इंटू 100, तो 20 से काटेंगे 20 और 20 को 4 से, है ना, तो 20 × 80% आपका। आई होप ये समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, तो ये 10 लाख और 5 लाख, 15 लाख, 15 लाख और 9 लाख, 24 लाख। अब कितना चेंजिंग हुआ, 15 लाख से 24 लाख गया, यानी कि 9 लाख का चेंजिंग हुआ। ओके अब ये 9 लाख का चेंजिंग हुआ है ना, तो देखिए इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 9/15 इंटू 100, तो आपका आएगा 60%, 3 × 9 3 × 4 3 × 5 = 15, 5 से काटिएगा तो 20 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई 60%, क्लियर है, तो ये आपका टोटल रेवेन्यू आया। अब एक्सपेंसेज को लेके चलेंगे, तो यहाँ पर एक्सपेंसेज में देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज दिया हुआ है 4,50,000 और 9,60,000, डिफरेंसेस कितना है यहाँ पर 5,10,000 का, परसेंटेज निकालेंगे तो 5,10,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000, ठीक है, इंटू 100, तो आएगा आपका 113.33। ओके तो ये आपका निकल गया एक्सपेंस बेनिफिट एक्सपेंसेज किसका, टोटल रेवेन्यू का, तो टोटल रेवेन्यू का यहाँ पर दे रखा है ना ये 4,50,000, मैंने क्या कहाँ से निकाला, तो यहाँ पे देखिए टोटल रेवेन्यू का 40% और 30%, तो इसमें इसका आप निकाले कितना 30%, यानी कि 15 लाख का 30% और 24 लाख का 40%, तो आपका ये आया
है ना, 15 लाख का 30%, 4 लाख 50 हजार और 24 लाख का 40%, 9 लाख 60 हजार, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंसेस 5 लाख 10 हजार आया, ये तो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। अब क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू 15 लाख में से एक्सपेंसेस 4 लाख 50 हजार लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 10 लाख 50 हजार, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 24 लाख में से 9 लाख 60 हजार जाएगा तो 14 लाख 40 हजार, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब डिफरेंसेस देखिए कितना आया, 3 लाख 90 हजार। इसका चेंजिंग निकालेंगे परसेंटेज तो 3 लाख 90 हजार डिवाइड बाई 10 लाख 50 हजार इंटू 100 तो 37.14, क्लियर है। अब यहाँ पे ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से लेस टैक्स यानी कि 40% आपका इसका निकालना है, तो 10 लाख 50 हजार का 40% निकालिएगा तो 4 लाख 20 हजार, और 14 लाख 40 हजार का निकालिएगा 40%, 5 लाख 76 हजार, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंसेस कितना, 1 लाख 56 हजार। अब परसेंटेज निकालना है तो 156/420 × 100 तो 37.14, क्लियर है। और ये निकल, ये आपका क्या था, लेस टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे तो या आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को लेस करेंगे तो आएगा 6 लाख 30 हजार, और इसमें से इसको लेस करेंगे 8 लाख 64 हजार। डिफरेंसेस देखिए यहाँ पर कितना, 2 लाख 34 हजार। इसका परसेंटेज निकालेंगे 2 लाख 34 हजार डिवाइडेड बाई 6 लाख 30 हजार इंटू 100 तो आएगा 37.14। आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। अब यहाँ देखिए 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मार्क प्रिपेयर अ कॉम्पिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ भी दे रखा यही क्वेश्चन है आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2018 और 17 का, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजिंग इन्वेंटरी और अदर एक्सपेंसेज अदर इनकम्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मेट सबसे पहले बनाना है। फॉर्मेट आपको तो समझ आ गया होगा, पर्टिकुलर नोट नंबर 31/5/17/18, एब्सोल्यूट चेंज और एब्सोल्यूट यहाँ पे परसेंटेज चेंज, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज, ये कॉलम बनाएंगे। और सबसे पहले रेवेन्यू को आप ऐड करेंगे, रेवेन्यू और अदर इनकम सभी को ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40 लाख है और 50 लाख है, डिफरेंसेस कितना है, 10 लाख का 10 लाख लिखिए। अब चेंजिंग कितना हुआ परसेंटेज में, तो 10 लाख/40 लाख है ना, 10 लाख/40 लाख सारे जीरो कैंसिल, 10/40 × 100 करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 0 कैंसिल, अब 2 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा 50 और 2 से कटेगा 5 है ना, तो 25% आ गया आपका, 25%। आई होप ये क्लियर है, परसेंटेज निकल गया। अब देखिए अदर इनकम भी आपका क्वेश्चन में दे रखा है, तो अदर इनकम कितना है, तो अदर इनकम 2 लाख 2 लाख 50 हजार, डिफरेंसेस कितना है 50 हजार का, 50 हजार आपको यहीं पर लिखना है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 50/2 लाख × 100 तो 25% आएगा, क्योंकि 2 लाख का 50% कितना हुआ, 1 लाख, और फिर उसका 50% 50 हजार है ना, तो ये टोटल 25% आपका आ गया। अब टोटल रेवेन्यू में क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 लाख 40 लाख और 2 लाख 45 लाख, 50 लाख और 2 लाख 50 हजार, 52 लाख 50 हजार, डिफरेंसेस कितना, 10 लाख 50 हजार, 10 लाख 50 हजार डिवाइडेड बाई 42 लाख × 100 यानी कि 25, क्लियर है। आई होप ये समझ में आया होगा, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू निकल गया। अब क्या निकालना आपको, एक्सपेंसेज, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है ना, तो ये 30 लाख है और ये 40 लाख है, डिफरेंसेस कितना, 10 लाख का है। इसका परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 10 लाख/30 लाख × 100 तो 33.33 आएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर चेंज इन इन्वेंट्री, ट्रेड चेंज इन इन्वेंट्री है ना, चेंज इन इन्वेंट्री तो 8 लाख 10 लाख, चेंजिंग कितना 2 लाख, इसका परसेंटेज निकालेंगे 2/8 × 100 तो 25% आएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेज 4 लाख 5 लाख, और यहाँ पर डिफरेंस कितना, 1 लाख का आएगा है ना, तो 1 लाख का आएगा। अब इसका चेंजिंग निकालिए, 1 लाख/4 लाख × 100 यानी कि 25% आएगा, क्लियर है। तब देखिए टोटल एक्सपेंसेज को आप जोड़ेंगे, यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेज को जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 लाख 8 लाख 4 लाख तो 42 लाख, और यहाँ पर 40 10 और 5 55 लाख, ये दोनों का डिफरेंस कितना, 13 लाख का। इसका परसेंटेज निकालेंगे 13 लाख/42 लाख × 100 तो आएगा आपका 30.95, ये टोटल एक्सपेंसेज। अब लेस करेंगे इसे रेवेन्यू में से, तो आप टोटल एक्सपेंसेस को लेस करेंगे किसमें, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर 42 ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें तो नहीं क्योंकि इक्वल है, इसमें 2 लाख 50 हजार रुपये माइनस में आ गया। अब यहाँ पर माइनस में 2 लाख 50 हजार, इसका परसेंटेज नहीं निकलेगा, लेस टैक्स तो दिया नहीं है ना, तो यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा आपका 42 लाख,
और यहाँ पर 55 लाख और यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 लाख, ठीक है, इसका डिफरेंसेस। अब इसका परसेंटेज 30.95। आई होप ये समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन क्लियर है। और ये देखिए इस क्वेश्चन का, इस आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉम्पेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये दे रखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2022 और 21 का, अदर इनकम, कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम, वर्क चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस और अदर एक्सपेंसेज, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेड एक्सपेंस, टैक्स रेट, ये सारा दिया हुआ है। आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाना है कॉम्पिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ओके, 31 मार्च 2022 का, पर्टिकुलर नोट नंबर 31 मार्च 2017 और 2021 और 2022, ठीक है। अब सॉल्यूट चेंज, इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे लिखना है आपको, और यहाँ पर परसेंटेज चेंज, इंक्रीज डिक्रीज। तो यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख है, यहाँ 20 लाख है, है ना, 21 में 16 लाख था, 22 में 20 लाख, तो कितना का चेंजिंग आया, 4 लाख का, आपको 4 लाख यहाँ पे लिखना है। इसका परसेंटेज निकालेंगे, 4 लाख डिवाइड बाय 16 लाख, तो 4 बाय 16 00 सब कैंसिल हो जाएगा, तो 4 चौक 16, अब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25, तो आपका 25% आ गया यहाँ पे, ठीक है। और अदर इनकम्स में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 30 लाख, 3 लाख और 4 लाख 40 हज़ार, डिफरेंस कितना, 1 लाख 40 हज़ार का। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 1 लाख 40 हज़ार डिवाइड बाय 3 लाख × 200, तो 40.67 आएगा। आई होप क्लियर। टोटल रेवेन्यू को जोड़ी यहाँ पे 16, 3, 19 लाख और 20, 4, 24 लाख 40 हज़ार, और यहाँ पर 19 से 24 का डिफरेंस कितना, 5 लाख 40 हज़ार आया, ठीक है। अब ये हो गया टोटल रेवेन्यू, आगे निकालेंगे हम लोग टोटल एक्सपेंसेज। तो देखिए एक्सपेंसेज कितना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख, 8 लाख, 20 लाख, डिफरेंस कितना है यहाँ पे, तो 33.33। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम 8 लाख 6 लाख, चेंज इन इन्वेंट्री 4 लाख और 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 लाख 6 लाख तक हो गया है ना। अब ये चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स 2 लाख 4 लाख, डिफरेंस कितना, 2 लाख, इसका परसेंटेज निकालेंगे, 2 लाख था और 4 लाख हो गया, तो 2 लाख ही तो बढ़ा, यानी कि 100% निकल जाएगा आपका, 2 बाय 2 × 100 कट जाएगा, है ना। ये हो गया अदर एक्सपेंसेस में, देखिए दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज 80,000, 1 लाख 80,000, डिफरेंस कितना, 1 लाख, ठीक है। तो अदर एक्सपेंसेस का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 15% और 10%, तो 15% और 10% आपका दिया हुआ है, इससे निकालेंगे आप, है ना, तो निकल जाएगा इसका 80,000, इसका 1 लाख 80,000, डिफरेंस कितना, 1 लाख, इसका परसेंटेज निकालेंगे 1 बाय 80 × 100, ठीक है। ये हो गया, अब टोटल एक्सपेंसेस में कितना आएगा, 8 लाख 80 हज़ार रुपया, 13 लाख 80 हज़ार, डिफरेंस कितना है, 5 लाख 80 हज़ार, 5 लाख का, 5 लाख होगा। अब परसेंटेज निकालेंगे तो 5 लाख बाय 8 लाख 80 हज़ार × 100, तो 56.82 आएगा यहाँ पे। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि और रेवेन्यू में से इसको लेस करेंगे आप टैक्स एक्सपेंसेस को, तो 10 लाख 20 हज़ार, 10 लाख 60 हज़ार, है ना, इसका चेंज में क्या आएगा, 40 हज़ार। अब देखिए परसेंटेज निकालिएगा, 40 हज़ार डिवाइड बाय 10 लाख 20 हज़ार × 100, तो 3.92 आएगा। आगे देखिए लेस 30% दिया हुआ, 10 लाख 20 हज़ार का 30% निकालेंगे, 3 लाख 6 हज़ार, और 10 लाख 60 हज़ार का 30% निकालेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे, 3 लाख 18 हज़ार, तो डिफरेंसेस कितना, 12 हज़ार का। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 12 बाय 3 लाख 6 हज़ार × 100, तो 3.92। अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि इसको इससे आपको लेस करना है, तो 7 लाख 14 हज़ार, इसको इससे करिएगा 7 लाख 42 हज़ार, कितना चेंज आया, 28 हज़ार। अब परसेंटेज देखिए 3.92, ठीक है, ये आपका चेंजिंग आया। अब यहाँ पे देखिए एक मिनट,
ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस दोनों को जोड़ देंगे 12 लाख, और यहाँ पर कितना आएगा 12 लाख, ये 6 और 2 8 लाख, और ये 12 लाख है ना, उसका 10% 8 लाख का 10% 80,000, 12 लाख का 15% कितना हुआ 1,80,000, तो वही मैंने क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करेंगे।